आप देख रहे हैं दादा दादी की कहानियां सिर्फ सागर पिक्चर्स पर। दादा दादी की कहानियां, दादा दादी की कहानियां, सदियों याद रही, भूला नहीं कोई बचपन ने सुनी दादा दादी की कहानियां, दादा दादी की कहानी। दो का शुक्र का पीनो भी सुनाता हूँ। अरे नींद तुझे आई है, सुनाता हूँ बेटा, फूक मार जल्दी। अरे 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 दादाजी, चलो बैठो। बच्चों की दादी माँ तुम भी सुन रही हो ना? हाँ तो सुनो बेटे, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा धार्मिक था, पूजा पाठ करता था, भगवान पर उसका अटल विश्वास था। लेकिन वो बहुत गरीब था, गांव वालों के घर जाकर पूजा पाठ करके जो दक्षिणा मिलती थी उससे अपना पेट पालता था। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए, मैंने तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राणी उनके साथ भेजे। ये सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीवन ने शरीर नहीं छोड़ा। साक्षी जी को कितना दक्षिणा देनी होगी? हाँ पूरा 125 दे दो, कितनी अच्छी पूजा की है। सर्व कल्याण हो, सदा सुखी, सदा सुखी। शास्त्री काका, कहाँ हो तुम? चावल पका रहा हूँ बेटी, दिन भर उपवास था ना। खाई रे, सुबह से कुछ खाया नहीं। ये लो आम, झाड़ पर पक गए थे, सोचा थोड़े तुम्हारे लिए लेती जाऊँ। बहुत अच्छे आम हैं। हाँ वो तो हैं, लेकिन मैं कह देती हूँ ये तुम ही खाना, किसी को उठाकर दे मत देना। तुम्हारी ये बहुत बुरी आदत है, जो भी अच्छी चीज होती सबको बांट देते। नहीं नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। लो तुम्हारे चावल बन गए। ओ ओ, हाथ जला लिया ना? देखो तुम अब हाथ जलाकर खाना मत बनाया करो, कल दोपहर का खाना हमारे घर पे खाने आ जाओ। नहीं नहीं बेटी, कल 5 गांव दूर जमींदार जी के यहाँ ब्राह्मण भोज का निमंत्रण है। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा। उसी गाँव में एक महाजन रहता था, बड़ा नीच और कमीना था, गरीब किसानों से सूद पर सूद लेकर पैसा जमा करता था, आने पाई तक छोड़ता नहीं था। क्यों ने, चारा ने कम दिए? मालिक, सब्जी बेच के आपका सारा उधार तो चुका दिया है, ये चारा ने माफ कर दिए, मेरे पास और कुछ नहीं है। राम 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 राम, चारा ने माफ कर दूं? तू कहे तो गौ हत्या कर दूं, मगर चारा ने माफ नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे ब्याज के पैसे हैं, धंधे में माँ पाप है। अच्छा मालिक। अरे ये कहाँ जाता है, ये चारा ने कहाँ से आए? मालिक, झोपड़ी पे घास नहीं है, बरसात में डालने के लिए चारा ने रखे थे, ये मुझे माफ कर दो, बड़ी कृपा होगी। बरसात को काफी देर है, घास बाद में खरीदना। हाँ ये मेरे ब्याज के पास है, चला जा जहाँ से। अच्छा मालिक। हाँ जय राम जी की शास्त्री का खा। सर्वकामना सिद्ध महाजन। कहाँ जा रहे हैं? वो 5 गाँव दूर गोविंदपुर जमींदार जी के यहाँ जा रहा हूँ। क्या करने? ब्राह्मण भोज का निमंत्रण है, जाना तो पड़ेगा ही। ब्राह्मण भोज भोजन खाने जा रहे, कंजूस महामक्खी जूस है। जिस खंडर के पास वो ब्राह्मण बैठा था, उस खंडर में रहता था। क्या
उस खंडर में रहता था एक भूत। भूत? और उस भूत के पास एक घड़ा था जो सोने के सिक्के से भरा हुआ था। वो भूत जानता था कि ये ब्राह्मण धार्मिक है, पुण्यात्मा है। तो भूत ने सोचा कि मैं जब जिंदा था मैंने तो कोई पुण्य नहीं किया, पाप ही करता रहा, जिसलिए भूत बनकर मुझे ये धन का पहरा दे रहा हूं। तो उसने सोचा ये धन ब्राह्मण को देकर मैं ही क्यों ना पुण्य कमा लूं। तो उसने कहा, ब्राह्मण, ओ ब्राह्मण, तुम दुखी हो, गरीब हो, लो ये धन ले लो, तुम अच्छे इंसान, ये मटका तुम्हारे लिए। बजरंगबली, बजरंगबली, डरो नहीं ब्राह्मण, मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं करूंगा, बस तुम ये धन से भरा मटका ले लो। ब्राह्मण रुको, ब्राह्मण रुको, ब्राह्मण रुको, ब्राह्मण ब्राह्मण, ये मटका ले लो ब्राह्मण, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन देखो ब्राह्मण, ये धन तो मेरे किसी काम का नहीं है, तुम अच्छे आदमी हो, तुम ये धन ले लोगे तो इसका सही उपयोग हो सकता है और फिर तुम्हारा दुख भी दूर हो जाएगा, ले लो। पान सुच अमी अमी से, एक लोक सकुचात जमी से, सुर सुर भी सुर तर सभी के। आ बेटिया, कैसी है तू? अच्छी हूँ काका। तुम्हारी मदद से हमारे घर की छत बन गई, नहीं तो बारिश में बहुत तकलीफ होती थी। तुम बहुत अच्छे हो काका, सारे गांव वाले तुम्हें देवता मानते हैं और तुम भी तो सबके लिए कुछ ना कुछ करते थे। दूर पगली, मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया। अरे वो तो भूत का धन है जो मैं बांट रहा हूँ। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता, कोई और होता तो सारा धन खुद ही हजम कर जाता। फिर भी बेटी, भूत का धन ही तो खा रहा हूँ। भूत ने हमारे लिए इतना कुछ किया, मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। बेटी, मैं सोचता हूँ तीर्थ यात्रा करने जाऊँ और उस भूत की आत्मा को इस कष्ट से मुक्ति दिला दो। ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। लेकिन तुम्हारे मटके में जो धन है उसे किसके पास रख कर जाओगे? बेटी, वो अपने गांव का महाजन है ना, उसके पास छोड़ता हूँ। उस महाजन के पास मत छोड़ना, वो तो एक नंबर का बेईमान है, सारे गांव वालों का खून चूसता रहता है। नहीं नहीं बेटी, वो मुझे बहुत मानता है और उसके पास भगवान का दिया इतना कुछ है कि मुझे गरीब ब्राह्मण के धन पर थोड़े ही लोग करेगा। श्री काका, ये मटका कहाँ ले जा रहे हैं? बस तुम्हारे पास ही आ रहा था महाजन। बात ये है कि मैं कुछ महीनों के लिए तीर्थ पर जा रहा था, अभी कुछ धन मेरे पास था, सोचा कि तुम्हारे पास छोड़ता जाऊँ, वापस आने पर ले लूंगा। आप बेफिक्र रहिए, ये आपकी इमानत हमारे पास ही रहेगी। तो फिर गिन लो, पूरे 365 हैं सोने के सिक्के। गिनना क्या शास्त्री काका, आपने कह दिया बस हो गया। वैसे अब तीर्थ यात्रा से कब लौट रहे हैं? अरे महाजन, पहले तीर्थ की धूल तो सिर पर लगे, पता नहीं कब वापस आऊं। बस इच्छा यही है कि जब वापस आऊं तो आप सब लोग राजी खुशी मिले। शास्त्री काका, इस पापी को भी तो आशीर्वाद देते जाइए। सर मंगल हो महाजन, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। मेरी भी मनोकामना पूरी हो। फिर एक शुभ दिन देखकर वो ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा।
फिर क्या हुआ दादाजी? उसके बाद वो एक तीर्थ स्थान से दूसरे तीर्थ स्थान पर भ्रमण करने लगा। हरिद्वार, फर्रुखाबाद, नहीं फर्रुखाबाद तीर्थ स्थान नहीं है, हरिद्वार से बनारस, बनारस से गया गया। कहाँ गया? गया गया। कहाँ गया? अरे वो गया नहीं, बुद्ध गया। वो एक तीर्थ स्थान है, वहां गौतम बुद्ध ने सैकड़ों साल पहले बड़ी कड़ी तपस्या की थी। वहां पहुंचकर उस ब्राह्मण ने उस भूत की मुक्ति के लिए, उसके मोक्ष के लिए पिंड दान किया। कर दिया, तुम्हें लाखों लाखों प्रणाम। अरे अरे ठहर ठहर, कहाँ जा रहा है? आपको मालूम नहीं, शास्त्री काका तीर्थ यात्रा से लौट आए हैं, उन्हीं का आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। वो बुड्ढा ब्राह्मण वापस आ गया तो धन जुटा के वापस देना पड़ेगा। मंगल मंगल सब कर दिया। मंगल जीते रहो बेटा, जीते रहो। महाजन देखो, मैं तीर्थ यात्रा से आ गया, तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूँ, आशीर्वाद देने आया हूँ। महाजन मैं हूँ, मैं तुम्हीं से बात कर रहा हूँ, तुम्हारा शास्त्री काका। अरे महाजन तुम क्या सुन नहीं रहे, मैं तुम्हारा शास्त्री काका हूँ, शास्त्री काका। कौन हो तुम, क्या बकते हो? महाजन ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें याद नहीं तीर्थ पे जाने से पहले मैं अपने सिक्कों का मटका तुम्हारे पास छोड़ गया था? अरे धन का मटका, कैसा मटका, कौन सा मटका, पागल तो नहीं हो गया? अरे कोई है, जल्दी आओ, इसको बाहर निकालो, इस ब्राह्मण को बाहर निकालो। अरे क्या बात है काका, इतने गुमसुम बैठे हो, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कुछ खाना भी नहीं बनाया? अरे बेटी क्या पकाना और क्या खाना, क्यों क्या हो गया? तुझे तो मालूम ही है तीरथ जाने से पहले मैं अपने सिक्कों का मटका उस बनियों को दे गया था। हाँ हाँ अच्छी तरह याद है मुझे, तैने उससे मना भी किया था लेकिन मैंने तेरी सुनी ही नहीं। पर क्या हो गया? हुआ ये बेटी कि मैं उसके पास गया तो उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया और धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अच्छा तो आखिर उसकी नियत बदल ही गई, मैं तो पहले ही जानती थी कि वो एक नंबर का बेईमान है, इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन तुम सुनो तब ना। खैर अब जाने दो, भगवान सब भला करेंगे, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। प्रणाम ब्राह्मण जी। मंगल हो बेटा। लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं वही भूत हूँ खंडर वाला, आपकी कृपा से मुझे मुक्ति मिल गई है, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है, आप जरा भी चिंता ना कीजिए, कल आप उसी खंडर के पास जाइए, वहाँ आपको फिर एक मटका मिलेगा, उसे लेकर आप उस महाजन के घर के सामने से निकलिए, उसी महाजन के घर के सामने से। हाँ मालिक मालिक
क्या बात है शास्त्री जी, एक मटका और उठाकर इस तरफ आ रहे हैं। एक मटका और उठा के आ रहे हैं। शास्त्री काका कहाँ जा रहे हैं, मुझे आशीर्वाद तो दीजिए। मैं इतना पापी हूँ जो मुझे आशीर्वाद भी नहीं देते, मुझे चरण तो धोने दीजिए, चलिए मेरे घर। देखो महाजन मेरी बात सुन लो, तुमने एक दफा जो मेरे साथ व्यवहार किया है उसके बाद मैं तुम्हारे घर में कदम भी नहीं रखूंगा। अगर मैं ऐसे नहीं करता तो दूसरा मटका आपके पास कहाँ से आता। पैसा कमाना हमसे सीखिए, आज आपको यहीं रहना पड़ेगा, रात यहीं काटनी पड़ेगी। चलिए शास्त्री जी चलिए, रात आपको यहीं काटनी पड़ेगी। सजा देने के लिए ही भूत ने नाटक रचाया होगा, बेचारा बनिया। चौधरी का था, मुझे बताओ। चौधरी का था, मुझे बताओ। चौधरी का था हमारी। चौधरी का था। अरे जी, इसको मत छुओ। इसको अगर टेढ़ा करेगा वरना मैं बेहोश हो जाऊंगा। चौधरी का था, मैं पापी हूँ। मैंने एक बार पाप किया है, मैं फिर नहीं करूंगा। चौधरी का था, मैं पिछला लोटा भी आपको वापस कर दूंगा। चौधरी काका, मैं अपनी सारी तिजोरी का धन आपको दे दूंगा। मैंने बहुत बुरा किया है, माफी, मैं माफी हूँ चौधरी काका, मुझे माफ कर। महाराज जी, चौधरी काका, चौधरी काका। फिर उस महाजन ने उस ब्राह्मण के पैर छुए और उसके धन का घड़ा उसे लौटा दिया और अपनी तिजोरी उसके सामने खोल दी कि जितना लेना ले लो। लेकिन उस ब्राह्मण ने अपने धन के सिवा कुछ नहीं।
उसके बाद वो महाजन बहुत अच्छा आदमी बन गया और उसके बाद कभी उसने किसी से बेईमानी नहीं की। छन्न पकैया छन्न में सातो रंग, जो पुण्य करे सो सब सुख भोगे, ये दुनिया का ढंग। इसका मतलब है जो जैसा करता उसे वैसा मिलता है। ये नहीं कोई बच्चों के कहानी सुनाने लायक है, ना राजा ना रानी ना हाथी ना घोड़ा ना मंत्री ना नाच रंग, बस भूत ब्राह्मण ब्राह्मण भूत। सुनो सुनो, अब राजा रहे कहाँ, नए मुल्क में बसता है अब नए किस्म का बाजा, और अब तो राजा गधा बन गया और गधा बन गया राजा। अच्छा हमारी कहानी पसंद आई ना, तो कल दादी से एक अच्छी कहानी सुन। हाँ हाँ बच्चों, कल मुझसे कहानी सुनना और बच्चों के दादा आप भी हमसे कहानी सुनना। अरे अमृत सो गया क्या? अरे ओ अमृत उठ बेटा। भूत 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 का सवाल देख रहा था। तो देखते रहे दादा दादी की कहानियां सिर्फ सागर पिक्चर्स पर। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।